छोटे छोटे अमाल हैं उनको अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन मरतबा सुबह, तीन मरतबा शाम आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम, तीन दफ़ा ये पढ़ो और एक दफ़ा सूरत हशर की आखिरी तीन आयात, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसको पढ़ना है आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया तीन दफ़ा इसको पढ़ो और एक दफ़ा सूरह हशर की तीन आयतें, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम। सुबह क्या है, शाम क्या है, तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सुबह से मुराद है आधी रात ढलने से लेकर सूरज निकलने तक, आधी रात ढलने से लेकर यानी तहज्जुद का टाइम से लेकर सूरज निक, और शाम क्या है, दोपहर ढलने से लेकर मगरब की आज़ान तक, ये शाम है। अब सुन लें, ये तिर्मिज़ी की हदीस है सियासता की, नबी पाक ने फरमाया जिसने तीन मरतबा आउज़ बिल्ला पढ़ी और एक बार सूरह हशर की आखिरी तीन आयतें पढ़ी, एक दफ़ा सुबह पढ़े एक दफ़ा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। चले, मैं तो इस बात पे भी बड़ा राजी हूँ कि पहली दफ़ा अहले सुन्नत में ऐसा हो रहा है कि वजीफ़ा मिलने पर लोग नारे लगा रहे हैं, पर ना वजीफ़ा बताएं तो कहने अभी पढ़ाएंगे पर कोई तवीज़ भी लेख छड़ो माड़ा गया। एक साहब आए मुझे कहने लगे जी बरकत कोई नहीं, गुरबत बड़ी है। मैंने कहा सरद वाक्या पढ़ा कर, कहते पीर साहब थोड़ी तकलीफ़ करो को मैनू तवीज़ भी कर दियो। मैंने उसे कहा खुदा के बंदे मैं तवीज़ दूंगा, पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, सूरत वाक्या पढ़, ये वो तवीज़ है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है कि सूरत वाक्या पढ़ो तुम्हें कभी फाका नहीं आएगा। तो वज़ाइफ पढ़ें, इबादात करें, तैयारी करें, कुछ नेक आमाल बचाएं ऐसे जिनका हमें पता हो, जो हमारे रब को पता हो, आखरत में जो चीज़ें हमारे काम आने वाली। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।